गुड लक टू इंडिया, टीम इंडिया। स्टॉक जो पसंद है इस वक्त मुझे वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तेजी है, सेटअप सही, 1823 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक भी बहुत टाइट है, करीब 1815 का, तो 1840 एक टारगेट रहेगा फर्स्ट, उसके बाद 1850 वहां तक जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में, और उन लोज से एक अच्छी खासी रिकवरी कोटक ने दिखाई है, अब थोड़ा सा चार्ज लेता हुआ। शिल्पा गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून, मेरा अभी के लिए रहेगा सेल साइड में ट्रेड, डीएलएफ में। डीएलएफ यहाँ पे जुलाई में 822 के अराउंड है, तो यहाँ पे सेल करना चाहिए फ्यूचर्स में। आप स्टॉप लॉस यहाँ पे 830 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 812 का रहेगा, इसके नीचे भी मुझे लगता है 805 से लेके 800 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। ओके, सेल डीएलएफ फ्यूचर्स, सेल कॉल, ग्रेट। सचिन गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनु जी, गुड आफ्टरनून हर्षदा, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी अच्छा सेक्टर रोटेशन हो रहा है, एंड ध्यान कहीं पर जाकर डिफेंसिव्स पे आ चुका है, एंड वहां पर एचयूएल में हमने खरीदारी करने की सलाह दी है हमारे क्लाइंट्स को, ये डिस्क्लोजर होगा। एंड जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर स्ट्रक्चर है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छी तरह ये रिस्पेक्ट कर रहा है, एंड प्लस एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन से एक ब्रेकआउट एस्टेब्लिश किया है, तो मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों में इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी अच्छी रिकवरी होनी चाहिए। पोजिशनल टारगेट तो यहाँ पर 50, 25, 60 के आसपास वेल पोजिशन है, बट इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 2500 के आसपास का एक स्विंग पेंडिंग है जो दिखना चाहिए, तो यहाँ पर अभी भी मोमेंटम यू नो लॉन्ग चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2440 पे लगाना है, एंड खरीदारी करनी है एचयूएल के फ्यूचर्स में। ओके, चलिए अब मानस के पास चला जाए। मानस गुड आफ्टरनून, मानस आपके ट्रेड? गुड आफ्टरनून अरुण जी, तो देखिए आईटी स्पेस पे ध्यान है, और आई थिंक विप्रो पे अब एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए। करीब 6-7 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट विप्रो में देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, 499 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 530 रुपए के टारगेट सेट करने हैं विप्रो में। ये कैश लेवल्स है, अगर चाहें तो ऑप्शन भी ले सकते हैं। जुलाई मंथ का 510 का कॉल ऑप्शन जो 18.50 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 13 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन में 29 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। जी, और एक और बताऊं, मैं जब मैं स्टॉक्स की स्कैनिंग कर रहा था, सिर्फ टेक्निकल्स के आधार पर नहीं, विप्रो की प्लेसमेंट फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। विप्रो के ऑलमोस्ट आईटी में डोमिनेट कर रहा है, रोल ओवर 88% रोल ओवर विप्रो में अब तक हो चुके हैं। टेक्निकल, फ्यूचर्स और रोल ओवर के स्टैट्स तीनों विप्रो के फेवर में है। रोचित गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन। कल हम देख रहे हैं थोड़े से डाइवर्जेंसेस नो ब्रॉडर मार्केट्स दिखा रहे हैं, कि जहाँ पे मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है और नो इंडेक्स पॉजिटिव है। सो आई थिंक ये क्लियर इंडिकेशन है कि फ्रेश बाइंग अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो काफी सिलेक्टिव रहना चाहिए, और क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में सेलिंग है तो लार्ज कैप्स के साथ में ही जाना चाहिए। सो थोड़े से डिफेंसिव नेम्स में नो सेफ्टी ज्यादा लग रही है यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए, और डॉक्टर रेडीज उनमें से मेरे को खरीदारी की यहाँ पे सलाह रहेगी, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। आज काफी शार्प अप मूव हमने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक में देखा है। सो यहाँ पे 6100 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 6400 के अराउंड के टारगेट्स डॉक्टर रेडी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रेडीज में आज वाकई में थोड़ा सा चौंकाया है, क्योंकि वो एक्विजिशन को कंप्लीट थम्स डाउन ब्रोकरेजेस दे रहे थे, लेकिन स्टॉक एब्सोल्यूट विपरीत डायरेक्शन में 2.5% के गेंस दिखाता हुआ। आशीष चतुर्मोता को जोड़ लेते हैं। आशीष जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या होगा इस समय का? गुड आफ्टरनून, देखिए मुझे जो कंजम्पशन थीम है उसमें वरुण बेवरेजेस काफी पसंद है, और उसकी चर्चा हमने पहले भी कई बार की, और एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है। मुझे लगता है अर्षदा, ये जो अभी हीट वेव्स हमें देखने को मिली, उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट वीबीएल के नंबर्स में आता हुआ देखने को नजर आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह के पेप्सी के बहुत से प्रोडक्ट्स के की फ्रेंचाइजी वीबीएल के पास में है, और ना सिर्फ इंडिया के अंदर में उल्टा अफ्रीकन मार्केट्स के अंदर में भी अब इनकी काफ़ी बड़ी एक प्रेजेंस है, और क्योंकि एक बड़ी बहुत बड़ी हीट वेव हमें देखने को मिली, अब उसमें हमें लगता है इनके प्रोडक्ट्स में एक जबरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को नजर आएगा। साथ ही साथ हमें लगता है कि स्टिंग करके जो इनका एक प्रोडक्ट है, जो जो कैफिनेटेड ड्रिंक है और
एक एक एनर्जी ड्रिंक के तौर पे जाना जाता है, उसके अंदर में जो टॉप लाइन ग्रोथ आ रही है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो प्राइस पॉइंट है करीब 20 से 25 रुपया पे का ये प्रोडक्ट है जो 250 ml के अंदर में आता है। वही हम देख रहे हैं कि इनके कॉम्पिटिटर एक समय पे थे रेडबुल, जो ऑलमोस्ट 125 रुपए का प्राइस पॉइंट पे आते थे। तो ये एक बहुत ही लो प्राइस पॉइंट पे इन्होंने एंट्री ली और इसके कारण बहुत अच्छा मार्केट शेयर इस सेगमेंट में भी VBL को देखने को नजर आ रहा है। और इन इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड रहेगी। टेक्निकली स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया बेस 1550 पे बनाया है और मेरा मानना है 1900 से 2000 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री वरुण बेवरेजेस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, वरुण बेवरेजेस में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई देगी और ये स्टॉक इनफैक्ट हाईली रिकमेंडेड रहा है आशीष की तरफ से। तो ये सारे ट्रेड्स आए बारिंग DLF का शॉर्ट साइड का ट्रेड, बाकी सभी ट्रेड्स तेजी की तरफ है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। इस समय आप मणप्पुरम स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज, और मुथूट फाइनेंस, क्योंकि दोनों में अच्छा खासा मोमेंटम है। मणप्पुरम ज्यादा अट्रैक्शन दिखा चुका है, लगभग 6% का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है आपको स्क्रीन पर, 6-7% तक के आसपास का अच्छा खासा रोल ओवर भी देखने को मिला। मानस, कल जाते जाते इसकी हम चर्चा कर रहे थे, इनफैक्ट ये आपके ट्रेड में शामिल था। ये जुलाई सीरीज में रफली किस तरह के औसतन रिटर्न दिखाएगा? अगर हमने वो स्ट्रॉन्ग रोल ओवर देखा है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जून सीरीज के एंड में देखा है, तो देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट है, क्योंकि बीच में हमने आई थिंक लास्ट मंथ करेक्शन भी देखा था, 205 रुपए से 160 तक स्टॉक करेक्ट हो गया था, लेकिन एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज के पास में सपोर्ट लिया और फिर वहां से वी शेप रिकवरी में पिछला हाई ब्रीच हो गया है। आई थिंक इस ब्रेकआउट का आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसमें कम से कम आपको 224 और उसके ऊपर 238 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं, कोई डिप मिल जाए तो आई थिंक बेहतर लेवल है 205-206 रुपए, वहां पर आप खरीदारी करिए। 198 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। 224 और 240 ये दो टारगेट रहेंगे मणप्पुरम के लिए नेक्स्ट मंथ के लिए।